सो लो जी साडा सरप्राइज आउट है, ठीक है जी। सिजलर बर्गर विद फ्रेंच फ्राइज। मैं कर रहे हैं वीडियो एडिट और स्पेशल दो भरा आए हैं एंग्री पॉइंट तो। की कह रहे थे तुसी? की कह रहे थे दसो? बर्गर वधिया है देखने च, बहुत वधिया लग रहे हैं। थोड़ी देखी सी वधिया लगी। अच्छा नहीं होर की किया तुसी? मैं कहा साडी भी पा लियो कदे। जरूर लो जी लो। सत श्री अकाल टू एवरीवन। एक नवी चीज लाइक समथिंग यूनिक समथिंग स्पेशल। आई एम जस्ट टॉकिंग विद माय सीनियर जेडी सर और मैनू कहंदे यार कुछ डिफरेंट जा बना, कुछ स्पेशल बना। मैं कहा सर दसो, कहंदे तूने सिजलर बनाया था ना, अब बर्गर भी सिजलर पे बना, नई इन्वेंशन कर। तो मैं कहा चलो सर सिजलर ते बर्गर बनाने, और उदा ना हैगा जेडी स्पेशल। तुसी देख आए हो अगे उहदी सारी प्रिपरेशन तुहानू मैं दिखाना। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सब तो पहला आपां नॉर्मल एक फ्रेश बर्गर ले लांगे बन, ना टॉस करना ना कुछ करना है। इहदे उत्ते नॉर्मल आलू टिक्की बर्गर, ठीक है जी। फर्स्ट मेयोनीज, ठीक है जी। उस तो बाद थोड़ा जा लैटस या कैबेज जो भी तुहाडे घर अवेलेबल होवे, दैन टिक्की, ठीक है जी। उस तो बाद कुकुंबर टमैटो रख देंगे, ठीक है, जो तुहाडा मन करे। हुण फाइनल जिहड़ी हैगी है प्रिपरेशन मैं तुहानू दसदा कि हुण की करना सी। इस नूं आपां करता साइड और आपां हुण लवांगे उपर वाला जिहड़ा टॉप हुंदा है उहनूं। इहनूं आपां सेंटर दे विचों चौरस कट करांगे, ठीक है जी। सो हुण कट करदे हां। आ देखो जी आपां इहनूं कट कर लिया, ठीक है जी। आपां इहनूं इहदे उपर ही रखणा है, ठीक है, डेफिनेटली रखना, बट एक स्टेज तो बाद। सो आपां हुण इहदी फाइनल प्रिपरेशन करदे हां बर्गर दी। इहदे उत्ते आपां अपने कॉकटेल सॉस, ठीक है जी। हुण आपां इहनूं रखणा इहदे उत्ते, बट पहला इहदे उत्ते अंदर आपां इत्थे आपां लगाउणी है फ्रेंच फ्राइज। सो आपां पहला पाउंदे हां फ्रेंच फ्राइज, फिर उस तो बाद उपर रखदे हां जी। साडा आलू टिक्की बर्गर रेडी और उपर आपां लाती हां फ्रेंच फ्राइज। हुण इहदी फाइनल जिहड़ा लाइक पिक्चर तुहानूं जिहड़ी हुण दिसेगी मेन जिहड़ी हैगी है, इहदा नॉर्मल बर्गर हो गया और उपर आपां लाती हां फ्रेंच फ्राइज। हुण मैं तुहानूं दसदा कि आपां की करना है। आ लो जी आपां अपना एक नॉर्मल पैन लै लिया। पैन दे विच थोड़ा जिहा ऑयल पावांगे, ठीक है जी। ऑयल तो बाद चॉप कीतियां होईयां कैप्सिकम और कॉर्नस जो मैनू पसंद है, ठीक है जी। बाकी तुसी चाहो तां टमैटो पाओ, अनियनस पाओ, वट एवर यू लाइक, ठीक है जी। हल्का जिहा सोते करांगे, लगभग लगभग सोते हो गई है। हुण इस तो बाद आपां अपना स्पेशल ग्रेवी जिहड़ी साडी पैंदी है सिक्सटन स्पेशल पास्ता दे विच, ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਕ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗ੍ਰੇਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਿਲੇਗੀ ਸਿਰਫ ਸਿਕਸ ਟੈਨ ਬਰਗਰ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਰਗਰ ਖਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਵੀ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਪੁੱਛਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਲਗਭਗ ਲਗਭਗ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਦੇਖੋ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਜ਼ਲਰ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਜ਼ਲਰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਗਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਸ ਗ੍ਰੇਵੀ ਔਨ ਟੋਪ। ਸੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਜ਼ਲਰ ਪਲੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬਰਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਰਗਰ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਰੱਖਤਾ, ਤਾਂ ਟੋਪ 'ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੇਵੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ। ਯੋਰ ਸਿਜ਼ਲਰ ਬਰਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਰਗਰ ਹੀ ਹੈ, ਰੈਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਿਕਸ ਟਨ ਬਰਗਰ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਸਟ ਇਨ ਰੁਪੀਜ਼ 100, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਨਥਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਨੋਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਜ਼ਲਰ ਬਰਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਓਨਲੀ ਐਟ ਆ ਦੇਖੋ 610 ਬਰਗਰ। ਸੋ ਮਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ 610 ਬਰਗਰ ਫੋਰ ਸਿਜ਼ਲਰ ਬਰਗਰ ਔਰ ਜੇਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਰਗਰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੀ ਨਿਊ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ, ਨਿਊ ਰੈਸਪੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।